सरोकार। पीएम मोदी और यात्रा बनेंगे भाजपा के चुनावी सारथी, तेलंगाना कर्नाटक के बाद अन्य राज्यों की तैयारी। स्टालिन के जन्मदिन पर बनी 2024 की रणनीति, खड़गे अब्दुल्ला बोले मिलकर चुनाव लड़े, पीएम बाद में तय कर लेंगे। राम रहीम पर मेहरबान हरियाणा सरकार, हाई कोर्ट में जवाब, डेरा प्रमुख हाई कोर्ट क्रिमिनल नहीं ना ही सीरियल किलर। मनीष सिसोदिया को कथित झूठे आरोपों में फंसाने पर भड़की दिल्ली सरकार, घर घर में बताएगी केंद्र सरकार की साजिश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का बड़ा बयान, बोले तीसरे मोर्चे के बारे में विचार करने का कोई फायदा नहीं, मिलकर लड़ना होगा। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की नई टीम की घोषणा आज हो सकती है। टीम में प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री पद पर कुछ नए चेहरे को जगह मिलेगी। वहीं कुछ प्रदेश पदाधिकारी हटाए जाएंगे। प्रदेश टीम को लेकर दिल्ली में मंथन के बाद लौटे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में काफी देर तक बैठक की। प्रदेश की बैठक में पिछड़ों और दलितों को नेतृत्व देने के साथ परंपरागत वोट बैंक से जुड़ी जातियों का भी ध्यान रखा जाएगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाने और विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद में अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनवरी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के कार्यक्रम में शामिल होना और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन की मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। डीएमके के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बुधवार 1 मार्च को 70 वर्ष के हो गए। वहीं इस अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में सराय ममरेज थाना क्षेत्र के ठाकुर शिव प्रसाद सिंह स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज में 1 मार्च को हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी, तभी उप जिला अधिकारी सार्थक अग्रवाल और सूचना मिली कि विद्यालय की कॉपियां दूसरे स्कूल में लिखी जा रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उप जिला अधिकारी व सराय ममरेज पुलिस के द्वारा आरडीएम पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 2 कॉपियां लिखी हुई और वह 5 शादी कॉपियां बरामद की गई। वहीं कॉपी लिख रहे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह एक सूचना मिली कि शिव प्रताप इंटर कॉलेज जंघई के कुछ पेपर हैं जो आपके आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज में लिखे जा रहे हैं। इसी सूचना को प्राप्त करने के बाद तुरंत एक पुलिस टीम रवाना करी गई वहां पर, और 2 सॉल्वर जो वहां पर मौके पर मौजूद थे उनको हिरासत में लिया गया। उनके पास 7 आंसर कॉपी थी, उनमें से 2 भरी हुई थी और 5 खाली थी। उसी के बाद हमने शिव प्रताप इंटर कॉलेज का विजिट किया, खुद वहाँ पर काफ़ी समय स्पेंड किया, सारे वहाँ के जो व्यवस्थाएं थी उनको देखी, जो वहाँ के व्यवस्थापक थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है और भी जो स्टाफ इन्वॉल्व थे वहाँ पर उनको रिप्लेस कर दिया गया है। श्रावस्ती में सीएचसी पर व्यवस्थाओं के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। सीएचसी में महीनों से खड़ा जनरेटर किसी काम का नहीं है। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं। सीएचसी मलहीपुर स्वास्थ्य मंत्री के दावे की हकीकत बयां कर रहा है। भाजपा नेता व वकील उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर्स की गोली का शिकार हुए सिपाही राघवेंद्र की भी बुधवार को मौत हो गई।
24 फरवरी को जयंतीपुर में हुए उमेश पाल शूटआउट में राघवेंद्र भी शूटर्स की गोलियों का शिकार हो गए थे। घायल अवस्था में राघवेंद्र को पहले प्रयागराज के स्वरूप रानी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बाद में तबीयत में सुधार ना होने और शरीर में संक्रमण बढ़ने के कारण उन्हें लखनऊ PGI रेफर कर दिया गया था। लखनऊ के डॉक्टर्स ने राघवेंद्र को बचाने का पूरा प्रयास किया, पर गोली लगने से शरीर में संक्रमण बढ़ता गया और बुधवार को डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार से पहले शहीद के शव को सलामी दी जाएगी। ये हमारे जो उस घटनाक्रम में घायल हुए थे हमारे साथी राघवेंद्र, आज ट्रॉमा सेंटर में हम उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। डॉक्टर पूरा प्रयास किए और इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्य की वेदी पे सर्वोच्च बलिदान दिया। इस बलिदान से उत्तर प्रदेश पुलिस को इस संकल्प को और बल मिला है कि हम माफिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हमारी जारी है उसको और मजबूती से और मन लगा के और निष्ठा से करें और जो इसके दोषी हैं उनको कानून के समक्ष शीघ्र से शीघ्र पेश करें। अलीगढ़ जिले के अति संवेदनशील इलाके की ऊपरकोट कोतवाली में महिला के साथ छेड़छाड़ के दर्ज मुकदमे में आरोपी लड़के का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीमार पति की दवाई लेने के लिए जा रही छेड़छाड़ की शिकार हुई महिला को खुद SSP और SP सिटी का PRO बताकर धमकी देने वाले स्कूटी सवार आरोपी ने रास्ता रोक कर महिला के गाल पर तमाचा जड़ते हुए छेड़छाड़ के दोनों मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया। साथ ही आरोपी ने साथ में मौजूद उसकी बेटी शिफा को अगवा करने की धमकी दे डाली। अगवा की मिली धमकी के बाद पीड़िता महिला दहशत के चलते थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। कि मैं अपने घर से दवाई लेने गई थी सिरे वाले डॉक्टर बैद्य जी के यहाँ पे। मेरी बेटी सुपा मेरे साथ थी, वहाँ से इसने नहीं माने, मेरे पीछे एक्टिवा लगा दिया और आते ही मैंने थप्पड़ मारा, बोला तो तू मेरे साथ फैसला नहीं करेगी मेरे से, मैं तेरी बेटी को सिफा को अगवा कर लूँगा। कब की घटना है ये? 11 बजे की घटना है। नईमा कौन है? नईमा उर्फ प्यारे। कैसा व्यक्ति है ये? ऐसा व्यक्ति है, गुंडे किस्म का आदमी है ये, और कप्तान साहब का SSP का SPCD का प्यारो बन के हमें धमकी देता है और ये कहता है मैं कप्तान साहब का प्यारो हूँ, SSP का प्यारो हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, हमें धमकी देता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए Prime TV के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।